एक चरित्र का निर्णय हजारों ठोकर खाने के बाद होता है। आपके दिल में और दिमाग के बीच संघर्ष चल रहा है तो हमेशा अपने दिल की सुनो। यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हर दिन अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करो। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हारी रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। सत्य और हजार तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी सत्य एक ही होगा। जो किस्मत पर भरोसा करते हैं वो कायर हैं, जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं वो मजबूत है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। कोई भी आपको शिक्षित नहीं बना सकता है, कोई आपको आत्मज्ञान नहीं बना सकता है। इसके लिए केवल आपकी अपनी आत्मा ही आपका शिक्षक है, जिसे जितना बड़ा होना है उसके लिए उतना ही कठिन परीक्षा रखी गई है। एक अच्छे चरित्र का निर्णय हजारों ठोकर खाने के बाद होता है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। हर काम को तीन समस्या से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और संस्कृति। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान का पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी हानि आपके आत्मविश्वास को खोना पड़ता है। सबसे बड़ी हानि आपने अपने विश्वास को खोना है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इंसान को ये छह चीज बर्बाद कर देती है। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़ा कर देता है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना मजबूत खो देता है। कर्म की गठरी बांध कर जग में फिर इंसान जैसा करे वैसा भरे। विधि का यही है विधान। सहने वाला जब अत्याचार सह कर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी बंद नहीं कर सकता है।